आप बिहार के छपरा से हो क्या? क्योंकि मुजफ्फरपुर के बाद छपरा की बारी। एक तो छपरा के लिए ढूंढना पड़ेगा बस। सुबह 6:30 बजे से मैं निकला हूँ और कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ पिया नहीं हूँ। फर्स्ट गन्ने का जूस पी ले रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ कुछ होटल में क्या करना है। मेरे मोबाइल में चार्ज ही नहीं बचा है। साथ होने के बाद छपरा के गलियों में घूमना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा पागल आदमी, मोबाइल में चार्ज नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा। सारण, हाँ एक ये बहुत है, बहुत लोगों को लगता होगा, बहुत क्या, पहले मुझे भी लगता था कि सारण और छपरा दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, मगर अब कंफ्यूजन ख़त्म हो गया है क्योंकि सारण और छपरा दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कितना अच्छा होता ना 1945 में महात्मा गांधी अगर ब्लॉग बनाते तो हम लोग देखते 1945 में अपना भारत कैसा लगता था, अपना बिहार कैसा लगता था। वो भी बोलते गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ चंपारण आंदोलन पर। जस्ट किडिंग यार। ये मोबाइल में अब 4% बचा है, मोबाइल ऑफ होने पर है और मैं पूछ के बस स्टैंड जा रहा हूँ। ये आरा जिला छपरा जिला बहुत फेमस, सही वाला बात ना। अरे यार मैं रॉन्ग टर्न तो नहीं ना ले लिया हूँ, फर्स्ट बार आया हूँ छपरा, पता चले यहाँ मैं गुम ना हो जाऊँ। अब तो मोबाइल भी ऑफ होने वाला है। हो गया है क्या? अब इधर से किधर जाना है, राइट या लेफ्ट? मकान तो यहाँ एक से एक है यार, पटना को पूरा टक्कर दिया हुआ है। राइट या लेफ्ट? राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा। भाई साहब मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ यार, ये तो इंडियन ऑयल के पास पहुँच गया। पटना के लिए कौन बस है, ये कहाँ जाएगा? शायद ये जाए मोहम्मदपुर जाएगा। माशाल्लाह। जब मैं पटना रिटर्निंग के लिए बस पर बैठा तो मुजफ्फरपुर के सुपरस्टार नेरहुआ की मूवी चल रही थी। स्टोरी तो ठीक था मगर मैं इसके सॉन्ग से इरिटेट हो गया था क्योंकि भाई 2 घंटे की मूवी में 12 से 15 गाने थे, इतने गाने कौन रखता है, वो भी कॉपीराइट। मेरी आँखिया का काजल, सॉरी तेरी आँखिया का काजल, हाँ ये गाने पर भी कॉपी किया हुआ है शायद। तो 10-12 बिहार का और डिस्ट्रिक्ट बचा होगा जिसको मैं कवर नहीं किया हूँ, वैसे वो भी कभी कवर कर ही लूंगा। खैर इस सनसेट को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।